महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए जयपुर शहर के पास बस्सी क्षेत्र में इंदिरा महिला शक्ति योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। विभाग के आयुक्त रश्मि गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। इस लोन पर 25% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक 500 महिलाओं को लगभग 19 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। आरंभ करने के लिए या जो कार्य वो कर रही हैं, कोई रोजगार का या खुद का कोई सेटअप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लोन की योजना है और आयम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के नाम से महिला अधिकारिता विभाग ने ये योजना शुरू की है और इसके अंतर्गत एक महिला को 50 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लोन अमाउंट पर 25% की सब्सिडी दे रही है और अभी तक हम करीब 500 महिलाओं को इसमें लोनिंग करा चुके हैं। इसमें करीब 19 करोड़ रुपए का लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और लगभग 3000 एप्लीकेशन हमने बैंकों को भेजी हुई हैं। महिला इंदिरा शक्ति की तहत मुझे 1 लाख का लोन प्राप्त हुआ। उससे मैंने भैंसे खरीदी है। भैंसों से मैंने दूध का उत्पादन किया है। दूध मेरा 10-15 हज़ार मंथली बिक जाता है। उससे मैं किस्तें भी चुका देती हूँ और मेरा घर खर्च भी चल जाता है। हमें महिला इंदिरा सशक्तिकरण योजना से लोन मिला है 1 लाख का, जो जिससे हमने भैंसे खरीदिए 2 और उसे दूध उत्पादन करते हैं और जब हमारे मंथली महीने का दूध 18-19 हज़ार रुपये का चला जाता है तो भैंसे मेरे पास उनका दूध 18-19 हज़ार का चला जाता है। उससे मैं 3300 रुपये बैंक की किस्त भी देती हूँ और अपना घर खर्च भी चलाती हूँ।